बहुजन समाज पार्टी की बागडोर अपने हाथ पे रखने वाली मायावती अब अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधों में डालती दिख रही हैं। उन्होंने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का उत्तरदायित्व आकाश को ही सौंपा है। इसके साथ ही वो अपने भतीजे को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। जानकार बताते हैं कि मायावती अपनी सेकेंड लाइन की लीडरशिप को धीरे धीरे तैयार कर रही हैं। इन राज्यों की असफलता और सफलता आकाश आनंद के भविष्य का निर्धारण करेगी। सियासी गलियारों की बात माने तो कई बार लोकसभा और विधानसभा में मिल रही असफलता के बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी के अहम पद भी दिए हैं, उन्हें चुनावी राज्यों का प्रभारी बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने हाल के समय में आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्राओं से लगभग दूरी बना ली है। पार्टी अब भतीजे को ठीक से लॉन्च करने के लिए पद यात्राओं का सहारा ले रही है। इसके लिए भतीजे की इमेज ठीक करने की कोशिश हो रही है, उनके समाज में भी एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। आकाश आनंद राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3,500 किलोमीटर की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा का भी नाम दिया गया है और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा राजस्थान के करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई गई है। आकाश आनंद मायावती की दूसरी आवाज होंगे। फिर बात तो वही है, इतना बढ़ाने के बाद भी अगर आकाश अपेक्षा के अनुरूप नतीजा नहीं ला पाते तो पार्टी का और ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो सकता है।